हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को शब्द के बारे में बताया था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के चार प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बताया था कि रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो आज मैं आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, ठीक है। पहला देखिए आप लोग, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत भाषा के जो भी शब्द होते हैं उनका हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जब हम उनको उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, ठीक है, दधि, घट, अग्नि आदि, ठीक है, सूर्य, दधि, घट, अग्नि आदि। देखिए दूसरा, तद्भव शब्द वे संस्कृत शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे सूरज, दही, देखिए आप लोग, तद्भव में वो तत्सम में सूर्य था, तद्भव में सीधे उसको सूरज, ठीक है, दधि और तद्भव में दही, यही तत्सम में घट और हिंदी में क्या हो जाएगा, घड़ा, ठीक है, और वो तत्सम में आपका अग्नि और तद्भव में क्या हो जाएगा, आग, ठीक है, क्लियर। मतलब तत्सम में क्या होता है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते भी उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है उनको उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनको उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और जिन शब्दों का हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे सूर्य, सूर्य को कुछ लोग सूर्य बोलते हैं और कुछ लोग सूरज कहते हैं, ठीक है। दधि, दधि मीन्स क्या होता है, दही, घट मीन्स घड़ा, अग्नि मीन्स आग, क्लियर हो गया ना, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या हो गया, तत्सम में क्या होता है, संस्कृत शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं और तद्भव में वो परिवर्तित हो जाते हैं, क्लियर। तीसरा देखिए, देशज शब्द, अब देशज शब्द क्या होता है, विभिन्न बोलियों के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, वही देशज शब्द कहलाते हैं। जो विभिन्न बोलियों से जो शब्द आते हैं ना हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द। जैसे रोड़ा, ठीक है, खिड़की, ठीक है, और देख लीजिए और क्या हो सकता है, थैला, थैला, लोटा, तो ये विभिन्न बोलियों से आए हुए हैं, उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, ठीक है। चौथा देखिए, विदेशी शब्द, वे शब्द जो मूल रूप से विदेशी भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे वे शब्द जो कई देशों की
भाषाओं से आए हुए हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, वही हमारे विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेशन, पुलिस, रिक्शा और क्या हो सकता है, और कूली, ठीक है, तो कूली। देखिए आप लोग, जैसे क्या होता है ना कि कई भाषाएं होती हैं, ठीक है, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी, फ्रेंच, चीनी, जापानी और ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ठीक है, उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी से क्या हो सकता है, अंग्रेजी से जो आया हुआ है वह स्कूल है, टेलीफोन है, डॉक्टर है, ये सारा चीज आया हुआ है। अरबी से आया है अमीर, इनाम, गरीब, कैदी, ये सब अरबी भाषा है। ठीक है, पुर्तगाली जैसे आलू, प्याज, प्याला, अचार आदि। तुर्की से कूली, चाकू, कैची, बहादुर आदि। फारसी से शर्म, गुलाब, बाजार, बाग, आदमी आदि। फ्रेंच से कार्टून, बिगुल आदि। ठीक है, चीनी से जैसे लीची, चाय, पटाखा, तूफान आदि। जापानी जैसे रिक्शा, जूडो, कराठे, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं हमारी हिंदी भाषा में, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो गया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तत्सम क्या है, संस्कृत भाषा का मूल शब्द है जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, दधि, घट, अग्नि आदि। तद्भव क्या है, वे शब्द, वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। देशज क्या है, देशज शब्द विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, विभिन्न बोलियों से जो इस्तेमाल किए, जो भी शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में उन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द। विदेशी क्या होता है, वे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विदेशी शब्द, जैसे स्टेशन, पुलिस, रिक्शा। अभी मैंने बताया ना कि बहुत विदेशी भाषाएं होती हैं, तुर्की, चीनी, तो ये जो सारी भाषाएं हैं उनसे जो भी शब्द आए हुए हैं हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से इसको आप लोग पढ़ लेना, और इसके पहले जो मैंने वीडियो आप लोग को भेजा था लिंक, उसको भी आप लोग देख लेना, और इसके बाद मैं आप लोगों को प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर बताया था और आज मैंने उत्पत्ति के आधार पर बताया, तो इसको आप लोग अच्छे से बेटा देखना, अच्छे से समझना।